तो किसी भी नॉर्मल आदमी को जो फ्लैट खरीद रहा है, तो सबसे पहले क्या देखना चाहिए अपने फ्लैट में, जो इम्पोर्टेंट 5 चीजें हैं, और ऐसे भी चीजें बताइए जो नेगेटिव हैं, मतलब ये अगर फ्लैट ऐसा हो तो बिल्कुल ना खरीदे फ्लैट, और ऐसी 5 चीजें जो जरूर देखें, ऐसा क्या चीज होंगे? सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि आज बेसिक लोगों को पता है कि पूर्व का मुख अच्छा होता है, उत्तर का मुख अच्छा होता है, पर लोगों को दिशा कैसे लेनी है, यहाँ से पहला करेक्ट है, पहला प्रॉब्लम है। तो करेक्ट, यहाँ पे पहले लोगों को समझना चाहिए, सबको समझना चाहिए कि दिशा कैसे लेना चाहिए। अब उसमें उनकी भी गलती नहीं है, उसमें होता है कि हम घर के प्रवेश द्वार को हम लोग इंग्लिश में एंट्री बोलते हैं, करेक्ट है, एंटर, या एंट्रेंस बोलते हैं। या तो काफ़ी लोग एंटर करते समय दिशा देखते हैं, हाँ करेक्ट। करेक्ट, कुछ लोग घर से बाहर जाते समय देखते हैं दिशा, हाँ हाँ पर एक्चुअली जो दिशा देखनी चाहिए वो घर का मध्य स्थान, मतलब घर हाँ का जो सेंटर पॉइंट हाँ है, ब्रह्म हाँ स्थान हाँ अप्रोक्सीमेटली आइडेंटिफाई करें, हाँ हाँ और वहाँ से प्रवेश द्वार की तरफ देखें, हाँ मतलब हाँ अंदर से सेंटर से बाहर की तरफ देखें, और वो जो दिशा आपके कॉम्पस में दिखा रहा है, जो आपका मोबाइल ऐप है उसमें जो दिशा दिखा रही है, दैट इज़ द एक्चुअल डायरेक्शन। अब वो नॉर्थ है, ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट है, वो आपको देखना है। सेकेंड पॉइंट ये है कि सिर्फ इसमें एक इंटरप्ट करता हूँ, ये देखने का ना एक अलग हैक भी आप कर सकते हैं। आप प्लान तो बिल्डर आपको देता ही है, करेक्ट, तो एक डायगोनल मार दें आपके पूरे प्लान के ऊपर, बिल्कुल, जो जहाँ डायगोनल्स दोनों मिलते हैं, क्योंकि लिविंग किचन बेड ऐसे ही आजकल होते हैं, यस, तो जो एंड है दोनों एंड को जोड़ दें, दोनों एंड को जोड़ के जो सेंटर है उस पर कंपस रखना है, यस, और वो कंपस से आपको टुवर्ड्स किधर देखना है, टुवर्ड्स द एग्जिट, एग्जिट, मतलब अपना मुंह नाक एग्जिट की तरफ होना चाहिए, करेक्ट, तो जहाँ कंपस दिखा रहा है वो कंपस विल बी योर नॉर्थ, राइट, दैट इज़ द या नॉर्थ, और उसको लेके फिर आपकी दिशाएं सारी बोलनी चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि मैंने अभी कईयों को तो ऐसे भी देखा है जो हर रूम में जाके नॉर्थ ईस्ट देख लेते हैं, मतलब हर रूम में जाते हैं इधर भगवान की जगह होनी चाहिए, इधर है, तो एक्चुअल ये चीज़ है, ये बहुत अच्छा खुलासा हुआ है। और दूसरा बात मैं ये पूछ रहा हूँ कि कई लोग कहते हैं कि बाकी मैग्नेटिक चीज़ें मोबाइल जैसे वो दूर रहने चाहिए ताकि वो दिखाए, तो मोबाइल बिल्कुल का नॉर्थ करेक्ट नॉर्थ आता है कि वो होका यंत्र लेना ही रहता है हमें? राइट, वेरी गुड क्वेश्चन, मैं उसी पॉइंट पे आ रहा था। तो इसमें आपको दो प्रिकॉशंस लेने हैं। पहले तो जैसा आपने बताया डायगोनल ड्रॉ करो, पर डायगोनल का आप किस कॉर्नर से ड्रॉ करोगे, तो उसके लिए आपको पहले दोनों चारों एजेस है मैच करना पड़ेगा, क्योंकि बराबर, करेक्ट कई बार कट्स होते हैं, एक्सटेंशंस भी होते हैं, जब है, बालकनी आ गई, करेक्ट कोई है, बेडरूम या रूम एक्सटेंड हो गया, तो करेक्ट आपको एक्सट्रीम एज लेना है है, ओके दोनों तरफ की, ओके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, ओके और उन्हें ज्वाइन करना है, और फिर ओके जो कॉर्नर से उससे आप डायगोनल ड्रॉ करके वो सेंटर पॉइंट बराबर, आइडेंटिफाई कर सकते करेक्ट हैं। है, सेकेंड चीज़ है कि कॉम्पस यूज़ करना है, मैग्नेटिक नीडल यूज़ करना है, या मोबाइल का ऐप यूज़ करना है। करेक्ट, मोबाइल का ऐप भी आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन उसमें भी और कुछ चैलेंजेस हैं, जैसे उसे कैलिब्रेट करना है, ओके जैसे आप कहीं जाकर आए हो हाँ, तो वो हैंग हो जाता है, तो उसको ओके आपको कैलिब्रेट करना है। कैलिब्रेट करने की प्रोसेस वो कॉम्पस में दी हुई दी होती होती है, है। एट द सेम टाइम अगर वो एम्प्टी फ्लैट है तो इतना तकलीफ नहीं है, बट अगर कोई ऑलरेडी उस घर में रह रहा है और आपको अपने घर की वास्तु चेक करनी है, तो मेरे अनुभव से देखा गया है जो पैसेज एरिया है टेंटेटिवली वहाँ पर सेंटर आता है, हाँ और आजकल लिविंग रूम, किचन और बेडरूम है, ऐसा हाँ सीक्वेंस होता है। करेक्ट करेक्ट, किचन जो होता है उसके पैसेज के सामने, उसे पैसेज के साथ में ही आता है, हाँ और किचन में होता है फ्रिज, बराबर, तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस होता है या माइक्रोवेव होता है, ये एक दिक्कत आती है जिसकी वजह से उसमें डेविएशन मिल सकता है आपको। करेक्ट, तो आपको देखना, ध्यान रखना है कि आप सेंटर से देखें, लेकिन और एडिशनली एक दो जगह से भी आपको देखना तो चाहिए। फ्रिज ऑफ करके थोड़ी देर वगैरह, माइक्रोवेव ऑफ करके फिर आप देख कर सकते सकते हैं, हैं, लेकिन वाईफाई भी होता है, हाँ कई कई बार वाईफाई घर के सेंटर में होता है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। हाँ, और उसमें और एक चीज़ होता है कि पिलर या कॉलम, कॉलम ओके कई बार उस एरिया में आ जाता है, हाँ जहाँ सेंटर होता हाँ है, अब कॉलम में होता है स्टील, वो आपका इन्फ्लुएंस करता है मैग्नेट पे, मतलब ओके जो करेक्ट, मैग्नेटिक नीडल है हाँ उसको हाँ इन्फ्लुएंस, तो आपको ये छोटी छोटी प्रिकॉशंस ध्यान में रखनी पड़ती हैं। ओके। लेकिन मुझे ये बात बताइए कि घर खरीदने समय क्या चीज़ मुझे ज़रूर देखना है, ऐसे 5 चीज़ें, ताकि मैं घर मेरा दोष के विहित ही लूँ, मतलब अच्छा ही वास्तु के हिसाब से फ्लैट लूँ। देखिए, घर देखते समय एंट्रेंस सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, ओके क्योंकि जैसे हमारे शरीर में हमारा मुख है, करेक्ट, वैसे उस वास्तु का, उस घर का वो जो मुख है वो आपके घर का प्रवेश द्वार है। ओके अगर वो अच्छी दिशा में आता है, अभी अच्छी या शुभ दिशा कौन सी है, तो नॉर्थ यानी उत्तर दिशा, पूरब दिशा यानी ईस्ट डायरेक्शन, और ओके नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन मतलब नॉर्थ और ओके ईस्ट मतलब उत्तर और पूर्व की बीच की जो दिशा है वो नॉर्थ ईस्ट तो है। वेस्ट और साउथ में हो तो नहीं लें, नहीं, ये एक मिसकंसेप्शन है ओके कि दक्षिण का दिशा, दक्षिण दक्षिण का प्रवेश द्वार अच्छा नहीं होता है। हाँ दक्षिण
जो दिशा है उसमें कुछ मंडल्स होते हैं, कुछ सब सेक्शंस होते हैं, तो दक्षिण दिशा में भी एक ऐसी दिशा होती है जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होती है, और पश्चिम दिशा में भी ऐसी एक दिशा होती है जो बहुत बेनिफिशियल होती है। देखिए, आज हम वास्तु की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है ग्रोथ, सक्सेस। करेक्ट। और सक्सेस का आज जो एक डेफिनेशन बन चुका है वो फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी से, जो एक्चुअली सही नहीं है। हाँ, बट अगर चलो हम उस एंगल से भी अगर हम बात करते हैं तो आठ दिशा में तो आठ लक्ष्मी होती है, तो सभी दिशाएं शुभ है। हाँ, है ना। लेकिन कुछ मंडल होते हैं, जब हम वास्तु पुरुष मंडल के लेवल पर जाते हैं तो कुछ जो देवता होते हैं या कुछ शक्तियाँ होती है उनका इन्फ्लुएंस प्रवेश द्वार के हिसाब से अच्छा नहीं माना गया है, उसके कुछ रीजंस होते हैं। तो मुख्यतः नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट, इसके बीच के कुछ मंडल होते हैं वो बहुत ही अच्छे होते हैं। उसके अलावा पश्चिम की एक दिशा होती है अच्छी होती है और दक्षिण की एक दिशा होती है अच्छी होती है। अब इसमें और एक बात आती है, मतलब आपका कहना ऐसा है कि दक्षिण और पश्चिम में एक एक ही कोई कॉर्नर है जो अच्छा yes, होता है। करेक्ट। इसलिए स्लैंग में अपन ऐसा कह सकते हैं कि नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट की कोई भी आप एंट्री लेंगे तो कोई तकलीफ ही नहीं है। साउथ में एकाधी कॉर्नर अच्छा है तो वो थोड़ा रिस्क फैक्टर है, आपको वास्तु yes. को बुलाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, yes. फिर ही आप ले सकते हैं वो। एक्चुअली पश्चिम दिशा, वेस्ट डायरेक्शन और साउथ डायरेक्शन, दक्षिण दिशा, दोनों के अपने एक एडवांटेजेस भी है। ओके। जैसे साउथ डायरेक्शन का जो मेरा अनुभव है इतना साल का, तो उसमें देखा है कि साउथ में जो जिसका प्रवेश द्वार साउथ का होता है उन्हें स्टार्टिंग के कुछ साल, चार साल, पाँच साल, बहुत अच्छी ग्रोथ मिलती है। ओके। और उसमें भी अगर उस डायरेक्शन का जो मैं उल्लेख कर रहा हूँ उस दिशा में अगर प्रवेश द्वार आता है और अगर वो किसी इंडस्ट्रियलिस्ट का है तो उनकी भी ग्रोथ मैंने ऐसी पर्सनली देखी है, ऐसे इंडस्ट्री, उनकी फैक्ट्री का भी मैंने सेटअप किया है, उनका घर भी मैंने देखा है, उनको उसका बहुत बेनिफिट हुआ है। तो ये बेसिकली एक अवेयरनेस की बात है। और उसमें ऐसा भी है कि चलो आपका प्रवेश द्वार ये एक भाग हो गया, मान लीजिए आपका प्रवेश द्वार ईशान का है, नॉर्थ ईस्ट का है, लेकिन अंदर की जो रचना है वो वास्तु के हिसाब से नहीं है तो बराबर। जैसे किचन है वो अग्नि में, अग्नि दिशा में होना चाहिए, अगर अग्नि दिशा में है तो अच्छे बेनिफिट्स देगा, लेकिन उसकी भी एक उपदिशा भी है जहाँ पे वो एक्सेप्ट किया जाता है, जो है वायु तत्व की दिशा, यानी नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, जो उसकी सेकेंड पोजिशन है। वैसे बेडरूम का भी है, तो अगर आपको फर्स्ट पोजीशन में नहीं मिल रहा है और अगर उस ऐसी आपको वास्तु मिल रही है कि उसका एंट्रेंस अच्छा है और किचन की आपको सेकंड पोजीशन मिल रही है तो आप वैसे भी वास्तु का चुनाव कर सकते हो। और यदि आपको, क्योंकि जो एंट्रेंस होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, नो डाउट, लेकिन एंट्रेंस अगर उसका जो वेटेज है उसको हम 10-15% तक पकड़ सकते हैं, क्योंकि अगर थ्री बेडरूम है तो उसमें तीन टॉयलेट आएंगे, दो मास्टर बेडरूम आएंगे, आपका लिविंग रूम है, आपका मंदिर की पोजीशन है, किचन है। तो अगर मान लीजिए कि अगर आपका पश्चिम का प्रवेश द्वार है और बाकी जो ये इंटरनल अलाइनमेंट है या आंतरिक रचना जो है वो पूरा वास्तु के नियम के हिसाब से है तो क्या आप ऐसे घर को रिजेक्ट करोगे? तो ये पॉइंट्स कैसे निकालना है? एक तो प्रवेश द्वार है, किचन पोजीशन है, बाकी बेडरूम पोजीशंस में कुछ आप पॉइंट्स दे सकते हैं कि कौन से? डेफिनेटली, अब बेडरूम कौन यूज़ कर रहा है? घर का जो मेन ब्रेड विनर होता है, जो मुख्य पर्सन होता है, जो मेन अर्निंग मेंबर होता bedroom. है, हाँ, तो वो उसने कौन से मास्टर बेडरूम यूज़ करनी चाहिए? तो अगर आप उनकी बेडरूम अगर नैऋत्य दिशा में, यानी साउथ वेस्ट में या साउथ डायरेक्शन में आती है तो उनके लिए खास बेनिफिशियल होती है। okay. और एट द सेम टाइम अगर घर में कोई सीनियर सिटीजन है और उनकी अगर बेडरूम नॉर्थ ईस्ट में आती है तो उनके लिए वो ज़्यादा बेनिफिट करेगी, बच्चों के लिए है तो उनके लिए बेनिफिट करेगी। अगर घर में दो भाई हैं, जॉइंट फैमिली है, तो जो बड़ा है उसने साउथ वेस्ट की बेडरूम यूज़ करें और जो छोटा भाई है या बच्चे हैं वो उन्हें अगर वे साउथ की बेडरूम यूज़ के लिए तो वो उनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। ओके। तो बच्चों के लिए नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट भी अच्छा होता है, साउथ भी अच्छा है, साउथ भी अच्छा है, और मास्टर बेडरूम साउथ वेस्ट इज़ द बेस्ट, साउथ वेस्ट एंड साउथ, इफ़ नॉट साउथ वेस्ट, अगर आपको साउथ में मिल रहा है तो भी अच्छा है।